हेलो नो माय फैमिली मेम्बर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं हूँ पत्थर क्वेरी में एंड अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग कामाख्या स्टेशन के लिए। वहाँ से मेरी ट्रेन है डायरेक्ट दिल्ली के लिए, जो कि 34 घंटे लगाएगी। बट उसके पहले कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे स्टोर पर। शॉपिंग अपनी हो गई रास्ते के लिए, अब चलते हैं बस, देखते हैं कौन सी जाती है। या ब्रेक जर्नी करनी पड़ेगी अगर बस नहीं मिली तो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट केवल बस ही जाती है, शेयरिंग टैक्सी नहीं जाती है। वेट करते हैं बस का, नहीं तो फिर शेयरिंग से निकलते हैं। और टाइम अभी हो रहा है 11 बजने वाले हैं और मेरी ट्रेन है 12:40 की, और बस भी देखते हैं जाती कि नहीं। फाइनली बस अपने को मिल चुकी है डायरेक्ट कामाख्या के लिए, और अब देखते हैं कितना टाइम लेती है। वैसे तो अभी अपने पास 1.5 घंटे के लगभग टाइम है। पत्थर क्वेरी से कामाख्या का जो फेयर है वो 40 रुपीज़ है और डिस्टेंस 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। फाइनली टाइम हो रहा है 12:22 और मैं पहुंच चुका हूं कामाख्या जंक्शन, और एग्जैक्ट 2 घंटे लगाए बस वाले ने यहाँ तक पहुँचाने में। तो अगर बस में ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लेके करना। टाइम हो रहा है 12:31 और मैं पहुंच चुका हूं स्टेशन, और ये रही अपनी ट्रेन B5 में 52 सीट है अपनी। तो अभी 9 मिनट हैं चलने के लिए, वेट करते हैं चलने का। अब 9 मिनट और वेट करते हैं फिर बढ़ते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन आनंद विहार दिल्ली के लिए। और यहाँ से 34 घंटे की अप्रॉक्स जर्नी है, तो देखते हैं राइट टाइम पहुँचती है या लेट होती है। येलो सिग्नल हो चुका है, गार्ड ने सीटी दे दी है, और अब बढ़ते हैं आनंद विहार के लिए। ट्रेन भी चल दी। ये इसका पहला ऑफिशियल स्टॉप है जहाँ ये 35 मिनट डिले पहुंची है। तो अभी अपना जो पूरा कंपार्टमेंट है वो खाली है, मतलब मैं हूँ और ऊपर एक आर्मी के ऑफिसर हैं वो है, बाकी सारी सीटें NJP में भरेगी। और अभी दूसरा स्टॉपेज आ चुका है। और अगर आपको मानस नेशनल पार्क के लिए जाना है तो आपको बारपेटा रोड, जो इसके पहले स्टॉपेज आया था, वहाँ पे उतरना पड़ेगा। वहाँ से डायरेक्ट रोड जाता है मानस नेशनल पार्क के लिए। वहाँ पे स्टे का भी ऑप्शन है, फूड का भी ऑप्शन है, सब कुछ सारी व्यवस्था है वहाँ पे। तो अगर मानस नेशनल पार्क जाना है बाई ट्रेन बारपेटा रोड, याद रखना। दाल चावल सब्जी ऐसा ही कुछ है, आते हैं अभी फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। टाइम हो रहा है 7:50 और मैं पहुंच चुका हूं न्यू जलपाईगुड़ी, और करीब 40 मिनट पहले पहुंचा दिया जबकि ये लेट थी आधे घंटे। ये है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, अब आगे कितना तेज चलती है ये नहीं पता। टाइम अभी हो रहा है शाम को 6 और मैं हूँ कूचबिहार में, करीब आधे घंटे से यहाँ खड़ी, पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने TT से पूछा अभी, वैसे ये ट्रेन डेली चलती है, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, मुझे पता नहीं था पहले, बट उसने बताया कि आज लेट चल रही है। वैसे तो डेली राइट टाइम जा रही है बट अभी ये लेट चल रही है, और हो सकता है पहुँचाए भी लेट, कुछ कह नहीं सकते भाई। किस्मत जब लगी हुई होती ना यही होता है। और जिस ट्रेन से मैं आया था उस ट्रेन के स्टॉपेज तो कम थे, लेकिन टाइम उसने ज़्यादा लिया था गुवाहाटी तक पहुँचाने में, बट इसके स्टॉपेज ज़्यादा हैं, टाइम कम लिया यहाँ तक पहुँचाने में। 7 घंटे में करीब पहुँचा दिया इसने, वो 8 घंटे लगाई थी। और इस ट्रेन से मेरी कुछ पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं, तो वो कल मॉर्निंग में बताऊँगा एक परफेक्ट लोकेशन पे, जब उसका सही डेस्टिनेशन आ जाएगा तब वहाँ से मैं वो स्टोरी आपको सुनाऊँगा।
टाइम अभी हो रहा है रात के 11 और अभी जस्ट क्रॉस हुआ है कटिहार जंक्शन एंड सुबह फिर आएगा आ रहा 7 बजे लगभग। उसके बाद बक्सर, मुगलसराय, देन प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, तो ऐसे जागते जागते तो रात कटने वाली नहीं भाई, बोरियत हो जाएगी। सुबह फिर भी थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट हो जाता है, अब रात में कितना मोबाइल चलाया, मोबाइल भी तभी चलेगा जब नेटवर्क आएगा, तभी थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट हो सकता है। मोबाइल में मैं इतना कुछ रखता नहीं हूँ कि मैं डाउनलोड करके कोई वेब सीरीज़ रख लूँ या कोई मूवी रख लूँ, उतना स्पेस में बढ़ता नहीं हूँ। तो अभी एक लंबी नींद मारते हैं, आराम से उठते हैं सुबह, जब भी नींद खुल जाएगी तब, क्योंकि एसी कोच भले ही हो बट कोई अगर दरवाज़ा खुला पा गया ना, चाय 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 समोसे चाय चाय समोसे चाय, राग शुरू हो जाते सुबह सुबह। तो देखते हैं कितना लंबी नींद मार पाते हैं, जितना लंबी हो सके मार लेते हैं, क्योंकि कल रात में 9-10 बजे लगभग आनंद विहार पहुँचेगी, देन फिर इसके बाद 1-1.5 घंटे लगे मुझे रूम पहुँचने में, तो नींद मार लेना ज़्यादा अच्छा है। तो अभी फिर रात्रि की सेवा, आज की मतलब आज की सेवा यहीं तक, सुबह के नज़ारे मतलब सुबह जब भी उठेंगे तब फिर नई शुरुआत करेंगे, अभी सोते हैं, मिलते हैं सुबह, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी मैं हूँ कुछमन में और टाइम हो रहा है सुबह के 8:45 और अगला जो स्टॉपेज है वो है दीनदयाल उपाध्याय मतलब मुगलसराय, वो आउटर पे खड़ी है, बिफोर पहुंच चुकी है इसलिए फिर से आउटर में खड़ी कर दिया है। सेम ट्रैक में पीछे एक और ट्रेन खड़ी है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, एक सिग्नल का डिफरेंस है बस। और ये है भारत की शान, भारत में बना भारत का सबसे दमदार इंजन मालगाड़ी के लिए, बेसिकली ये सारे मालगाड़ी के लिए हैं। और अभी भी 1/2 घंटे बचे हुए हैं मुगलसराय पहुंचने में, क्योंकि मुगलसराय पहुंचने का टाइम जो है इसका हुआ है 9:55 और अभी 9:35 ही हुआ है, तो 20 मिनट अभी और लगेंगे। मैं खड़े रहो तब तक यहीं ट्रैक में, जिस रफ्तार से आज ये ट्रेन चल रही हो, जिस रफ्तार से इसको सिग्नल मिल रहे हैं ना, अगर इसी रफ्तार चलती तो अब तक कानपुर तो क्रॉस कर ही चुकी होती और शाम तक मैं दिल्ली पहुंच गया होता, शाम तक क्या दोपहर में ही पहुँच गया होता, क्योंकि 1 घंटे जलपाईगुड़ी में खड़ी रही, 1 घंटे से यहाँ खड़ी है, 1 घंटे मतलब अभी हुआ है, 8:30 बजे लगभग ये पहुंच गई थी यहाँ पे। और ऐसे न जाने कहाँ का, क्या कहते हैं, बिहार में भी जब इंटर की है तो पटना के पहले मतलब पटना पे ही कह लीजिए पाटलिपुत्र में रुकी थी करीब 1 घंटे, वहाँ भी खड़ी रही, एक ट्रेन और आ गई, वो उसको पास दे दिया गया, वो निकल गई, चलो फाइनली चल तो दी। अभी 15 मिनट और है मुगलसराय पहुँचने में, 5 मिनट पहले तब भी पहुंच गई यहाँ तक, तो बिफोर पहुँचाई, अब यहाँ से देखना है राइट टाइम चलती, बिफोर चलती या फिर लेट चलती, क्योंकि मोस्टली ट्रेनें यहीं से ही लेट चलती। और ये है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से आ रही पुरी तक जाएगी। सुबह के 11 और मैं हूँ मुन्ना भैया के मतदान क्षेत्र मिर्जापुर में, और यहाँ से 1-1.5 घंटे और लगेगा प्रयागराज पहुँचने में। और अभी हमें करछना में, यहाँ से नैनी के बाद प्रयागराज आएगा। और ये जो सामने ट्रेन देख रहे हैं वो आनंद विहार के लिए एक नई ट्रेन चलाई गई है जो कि प्रयागराज जैसी है, बट
प्रयागराज जाती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक और ये जाती है आनंद विहार। तो एक और ट्रेन पहले चलती है प्रयागराज दुरंतो, अब प्रयागराज दुरंतो और एक और ट्रेन, ये हो गई तीन ट्रेनें हो गई प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए। और यहाँ भी इस ट्रेन ने बहुत पहले पहुँचा दिया, मतलब 15 मिनट तो यहीं खड़े थे अभी हम, अभी चली है जस्ट, तो 12:25 की टाइमिंग है प्रयागराज पहुँचने की, तो अभी भी 15 मिनट बाकी है, तो 15 मिनट लगेगा अभी यहाँ से वहाँ पहुँचने में। क्या पता नैनी में खड़ा कर दें या फिर क्या पता प्रयागराज के आउटर में खड़ा कर दें। टाइम हो रहा है 12:50 पहुँच गए प्रयागराज। टाइम हो रहा है 1:05 और हम पहुँच चुके हैं प्रयागराज। 40 मिनट डिले बोला था ना, डिले होगी पक्का। यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज है, देन फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज है फतेहपुर, उसके बाद कानपुर, इटावा, टोंडला, अलीगढ़, गाजियाबाद, देन फिर आनंद विहार फाइनल डेस्टिनेशन। और प्रयागराज से 3 ट्रेनें ऐसी चलती हैं जिस पे मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, मतलब यहाँ से चलती हैं डायरेक्ट डेस्टिनेशन रुकती हैं, मतलब यहाँ से चलती हैं डायरेक्ट डेस्टिनेशन रुकती हैं, वहाँ तक मैं ट्रैवल कर चुका, जैसे प्रयागराज हो गई, दुरंतो हो गई, ये दोनों नई दिल्ली तक जाती हैं, उन दोनों में ट्रैवल कर चुका हूँ। एंड एक है यहाँ से प्रयागराज से जयपुर के लिए चलती है, उस पर भी यहाँ से मैं बैठा था और डायरेक्ट जयपुर उतरा था मैं। तो अगर आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक की जर्नी, तो कमेंट करके बताइए कौन मुझसे आगे है। वैसे ऐसा तो मैं 5-6 बार कर चुका हूँ, काउंट करके मैं बता दूंगा आपको जब आप लोग कमेंट करके बताओगे। पीछे कोस लगने का यही एक घाटा होता है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, अब दौड़ के वहाँ तक जाना पड़ेगा, आगे कहीं जाके स्टॉल कुछ खाने पीने का जो है बस जो आ रहा है उसी से ले लो खा लो, यहाँ स्टॉल वगैरह भी नहीं पहुँच सकते हो आप। 5 मिनट का स्टॉपेज है, क्या पता लेट पहुँची है जल्दी चल दे, इसलिए कोई रिस्क भी नहीं ले सकते। वैसे है तो सारे एसी कोच सब कनेक्टेड हैं, बट कौन रिस्क ले यार, बोल रहा था ना अभी 5 मिनट का स्टॉपेज लेकिन लेट पहुंची है, क्या पता जल्दी चल दे चल दी, मुश्किल से 10 सेकेंड हुआ होगा बोले हुए तुरंत चल भी दी। कोई ना, फतेहपुर रुकेगी वहाँ पर कुछ भोजन पानी का प्रबंध किया जाएगा। ये रात दोपहर का खाना, चावल, अचार, दाल, सब्जी और चावल, रोटी गायब। करीब 1 घंटे की देरी के बाद हम आ चुके हैं अपनी कर्म भूमि और जन्म भूमि फतेहपुर में, और टाइम अभी हो रहा है 2:40 और जबकि इसको पहुंचना चाहिए था 1:40, मतलब एग्जैक्ट 1 घंटे लेट है ये ट्रेन। और बोला था ना आपसे एक रहस्य की बात बताएंगे आपको फतेहपुर पहुंच के, फतेहपुर नहीं मतलब एग्जैक्ट सही लोकेशन पे पहुंचने के बाद एक रहस्य बताएंगे आपको, तो उस रहस्य से पर्दा उठाने का समय आ चुका है, पहुंचते हैं स्टेशन वहीं बताते हैं आपको। और फर्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली गया था तो मैं इसी ट्रेन से गया था, तो दिल्ली तो खैर इसने टाइम से पहुँचा दिया था, 1-2 घंटे ही लेट था, बट जब मैं दिल्ली से वापस आया था तब इसी ट्रेन से आया था। अब भाई साहब क्या लंका लगाई थी इसने, मतलब सुबह 6 या 6:30 एक टाइमिंग है इसकी दिल्ली से यहाँ फतेहपुर पहुँचाने की, मतलब दिल्ली से चलने की जो टाइमिंग वो 6:30 के लगभग थी, चली है वहाँ से 12:30 और जब यहाँ पहुँची है तो करीब 12 घंटे डिले पहुँची है, मतलब रात में 1:30 बजा दिए थे इसने, उस समय मतलब इससे घृणा हो गई थी, छी हो गई थी इससे, कभी सोचा नहीं था दोबारा इस ट्रेन में ऐसी रफ्तार से आने को मिलेगा। समय समय की बात है, तब कोविड नहीं था, ट्रैक पूरा भरा रहता था और उस समय ठंडी का टाइम भी था, मतलब वो दिवाली की छुट्टी थी, अभी भी दिवाली का ही टाइम है, वो भी दिवाली का टाइम था, तो एक समय वो था एक समय ये है। अभी पूरा स्टेशन खाली पड़ा है, कभी भीड़ रहती थी, अभी एक तो पीछे बोगी है तो कुछ वैसे भी नहीं रहता यार, सन्नाटा ही रहता है सब। अब देखते हैं 1 घंटे डिले यहाँ पहुँचाइए, अब कानपुर की मतलब 15 मिनट बाद इसको कानपुर में होना चाहिए, 2 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे, तो ठीक है चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं, हो गया काम। और ये इस ट्रेन की जुड़वा वैन, ये भी सेम मतलब ये अब काम आके जा रही है,
और जिसमें मैं हूँ वो आनंद विहार जा रही है। तो दोनों का सेम टाइमिंग है फतेहपुर पहुँचने का, या तो फतेहपुर में इनकाउंटर होता है या तो फिर कानपुर में इनकाउंटर होता है, इसी बीच में ही इनकाउंटर होता है इन दोनों ट्रेन का। तो ये चली और वो रुक गई। ये जो बगल में आप ट्रैक देख रहे हैं ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं। बेसिकली मालगाड़ियों के लिए बनाया गया है ताकि मालगाड़ियाँ जो हैं वो टाइम से अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाए। एक्सप्रेस ये सारी ट्रेनें तो अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाती हैं, केवल विंटर्स में प्रॉब्लम होती है मालगाड़ियों को सबसे ज़्यादा डिले हो, जबकि इंडियन रेलवे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मालगाड़ियों से होता है, बट हमेशा डिले रहती है। तो इसलिए उनके लिए अलग से एक ट्रैक बनाया गया है, जैसे दिल्ली से कोलकाता के लिए ये वाला ट्रैक है, ऐसे ही कोलकाता से मुंबई के लिए, मुंबई से दिल्ली के लिए, दिल्ली से चेन्नई के लिए, ऐसे कई सारे ट्रैक बनाए गए हैं। उनमें केवल मालगाड़ियाँ ही चलेंगी, नॉर्मल ट्रेनें भी, एक्सप्रेस ट्रेनें, राजधानी, शताब्दी, ये सब भी चलेंगी, बट जब मालगाड़ी नहीं होगी तभी वो चलेंगे, क्योंकि मालगाड़ियों के लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट जिससे हो रहा है उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। और ये ट्रिपल पी मॉडल में बनाया गया, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये जो ट्रैक बनाया है दिल्ली से कोलकाता का, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाटा ने लिया है, तो इंडियन गवर्नमेंट और टाटा मिलकर इसको ये काम कंप्लीट कर रहे हैं। 3 बजे की टाइम है कानपुर की और अभी टाइम हो रहा है 4:15, 1 घंटे 15 मिनट एग्जैक्टली लेट हो चुकी है और अभी भी कानपुर के आउटर में है। टाइम हो रहा है अभी शाम को 4:30 और मैं पहुंच चुका हूँ कानपुर सेंटर, 1.5 घंटे लेट पहुंची यहाँ पे। देखते हैं दिल्ली का क्या हाल रहता है, दिल्ली कितने बजे पहुँचाती है। टाइम हो रहा है अभी शाम को 5:30 और अगर राइट टाइम भी चल रही तब भी अभी 4.5 घंटे मुझे लगेगा आनंद विहार पहुंचने में, और 5:30 बजे यहाँ उजाला है। मतलब 18 दिन 5 बजे अंधेरा हो जाता था, 5:30 बजे उजाला देखकर बड़ी खुशी हो रही है, दिल को अनंत सुख की प्राप्ति हो रही है। अभी सोच रहा हूँ एक नींद मार लूँ, क्योंकि अभी इटावा आएगा, देन टूंडला, अलीगढ़ और गाज़ियाबाद, तब जाके कहीं आनंद विहार आएगा। सोच रहे हैं एक नींद मार ले तब तक, करें क्या यार, पूरी ट्रेन खाली हो गई है यहीं से ही, मतलब इलाहाबाद के बाद से पूरी ट्रेन खाली है, कोई मतलब है ही नहीं। जिसका मन आ रहा है जहाँ मन आ रहा है वहाँ बैठ रहा है, कभी कोई कभी कोई चल रहा है यहीं से ही। तो अभी सोच रहे हैं एक नींद मार ले, फिर इसके बाद उठेंगे, कहीं जहाँ पहुँच जाएगी फिर वहाँ का दिखाएँगे। टाइम हो रहा है शाम को 7:35 और ये ट्रेन है एग्जैक्ट 1.5 घंटे लेट अभी भी। तो दिल्ली पहुंचने में अगर 1.5 घंटे लेट हुआ तो इसका मतलब है ये ट्रेन पहुंचेगी 10:30, 11 बजे, 11:30 बजे पहुंचेगी। और ठंड एक नंबर प्रचंड टाइप की पड़ेगी, देखते हैं भाई किस्मत का क्या कह सकते हैं। शताब्दी निकल गई, जोधपुर हावड़ा निकल गई, अब यही रह गई है, अब इसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, क्या करें, बैठना तो पड़ेगा ही। चल दी भाई, हॉर्न भी दे दी। मिलते हैं आपसे फिर किसी लोकेशन पे जहाँ रुकेगी, अब अलीगढ़ स्टॉपेज है इसका। टाइम हो रहा है अभी 8:30 और हम पहुँच चुके हैं अलीगढ़ पहुँचे अभी, 1.5 घंटे अभी भी लेट है, मतलब 1 घंटे 25 मिनट लेट है। और इसमें अभी मैं हूँ, भाई है इधर, एक भाई गाना सुन रहा है अपना, और इधर 2 लोग सो रहे हैं, बाकी सब पूरा खाली पड़ा है, सब अपना गहन निद्रा में। देखते हैं गाज़ियाबाद तक कवर करती है कि नहीं। फाइनली पहुँच चुके हैं आनंद विहार, अब चलते हैं टाटा करते हैं यहाँ के, बाय बाय भाई, फिर मिलेंगे किसी जर्नी में। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं, बढ़ते हैं रूम के लिए, और टाइम हो रहा है 10:45। और मुझे इस ट्रेन में एग्जैक्ट 34 घंटे 10 मिनट हो चुका है बैठे बैठे, तब पहुँचा हूँ मैं। फाइनली यहाँ एंड होती है अपनी 20 दिन 7 स्टेट और 6,500 किलोमीटर की जर्नी नॉर्थ ईस्ट की। पहुँच चुके हैं लगभग घर, अब चलते हैं, डिनर करते हैं, आराम करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी ट्रैवल सीरीज़ में या फिर किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अगर ये ट्रिप आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।